سات سال پہلے کی وہ سیاہ ترین رات میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی. کیا ہوا تھا اس رات؟ اس رات تین ڈاکو ہمارے گھر میں گھس آئے تھے اور جتنا سونا تھا جتنا روپیہ تھا سب ان ظالموں نے لوٹ لیا. پر مزاحمت کرنے پر میرے خاوند کو گولی مار دی اور میرا سارا زیور بھی اتار لیا. آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے میری بہن. میں آپ کو اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں, لیکن وہ لوگ آپ کی ڈانٹ کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا تھا, اس لیے وہ میری جان کا دشمن ہو گیا ہے. میں ان لوگوں کو کیفے کردار تک ضرور پہنچاؤں گا. وہ کون لوگ تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ میرے اپنوں میں سے ہی ہیں, لیکن پہلے میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا. صاحب جی جی ایسا نہیں, انسپیکٹر جبران بات کر رہا ہوں. میں سلیم بات کر رہا ہوں. جی جی سلیم صاحب بولیے. جناب میں آپ کو, آپ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں, ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. جی جی سلیم صاحب بولیے. سات سال پہلے, میں سن رہا ہوں بولیے. سات سال پہلے اس شہر میں کیا ہوا؟ سات سال پہلے ایک سونے کی ڈکیتی ہوئی تھی. اچھا میں نے ان واردات کرنے والوں کا سراغ لگا لیا. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ فوراً تشریف لے آئے. میں اس وقت ایک روڈ پر کھڑا. آپ مجھے لوگوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ میری زندگی اس وقت خطرے میں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے رکے ہم آ رہے ہیں. جی جی ہلو ہلو ہلو, کیا ہوا جناب؟ باتوں کا وقت نہیں ہے, ہمیں فوراً موو کرنا لنک روڈ کی طرف. ہاں مخصوص ہے ہیڈ کوارٹر سے کچھ فائلیں آپ ان کو دیکھ لیں, واپسی میں میٹنگ ہوتی ہے. کرو اس کو. سر ہی از نو مور. اسے ایمبولینس کال کرو. یار یہ سلیم ہے کون؟ اس کا تو پتا کرواؤ. میں دیکھتا ہوں اس کے موبائل میں ان کیس آف ایمرجنسی مطلب آج کے نام سے کوئی نمبر نہ سیو ہو. مل گیا نمبر. جی میں سلیم کے فون سے انسپیکٹر موسیٰ بات کر رہا ہوں. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر کیا راز ہو سکتے ہیں اس کے پاس؟ شاندے یہ سات سال پہلے سونے کی بڑی ڈکیتی اور قتل کے ملزموں کو بے نقاب کرنے والا تھا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنا راز چھپانے کے لیے انہوں نے اسے قتل کیا ہے.
क्या ये घर मिसेस सरफराज का है? जी सर, ये घर तो उन्हीं का था, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये बिक गया। चले ठीक है, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एसआईबी से इंस्पेक्टर मूसा। और मैं इंस्पेक्टर शानजे। जी फरमाइए। पूछना था कि इस घर में 7 साल पहले एक डकैती की वारदात हुई थी जिसमें बहुत सारा सोना भी लूट लिया गया था। और एक सरफराज हमी मर्चेंट भी इसी डकैती में कत्ल हो गया था। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही सुना है, मगर ये घर खरीदे हुए मुझे 5 साल हो गए। एक्चुअली हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आपको पता है कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, उनके अहले खाना वगैरह, या कोई और पता? माफ कीजिएगा मगर ऐसी कोई मालूमात मेरे पास नहीं है। वैसे ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि घर आपने खरीदा किससे था। ये सराफा एसोसिएशन के एक ओहदेदार से लिया है मैंने। आप हमें उन्हीं का पता दे दीजिए, हम खुद मालूम कर लेते हैं। जी आप रुकिए, मैं आपको उनका कार्ड ला कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। लेकिन जिन लोगों के साथ इबादत पेश आई है वो घर बेच के वहां से जा चुके हैं। उस घर में और कोई नहीं रहता था? मोहल्ले वालों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वहां पे सरफराज, उसकी बीवी महरनिसा और उनका एक बेटा साइम रहते थे। लेकिन सरफराज के कत्ल के बाद लोगों ने अपना सोना वापस लेने के लिए उसकी बीवी को बहुत तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे वो घर बेचना पड़ा और अपना उधार चुकाना पड़ा। सरफराज चूंकि सोने की जेवरात बनाता था और अपनी मजदूरी लेता था, लिहाजा लोगों का बहुत सारा सोना उसके पास जेवरात बनने के लिए आया हुआ था। वजह से महरनिसा को गाड़ी, घर सब कुछ बेचना पड़ा। अब वो कहाँ पे है उसका कुछ पता नहीं। महरनिसा को ढूंढना बहुत लाजमी है, उसी समय कोई क्लू मिल सकता है। सर कुछ लोगों के मुताबिक वो बहुत सोशल थी और लोगों के साथ उनके सोशल टर्म्स भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं महरनिसा का इस डकैती में अपना ही हाथ हो और सब कुछ करके पर्दा सजने से निकल गई हो? ज़िब्रान ये तो जब तक वो मिलते नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते। महरनिसा को ढूंढना बहुत जरूरी है, वही हमें तरह से निकाल सकती है। अगर अपना सारा कस दे चुकी है तो फिर क्यों छुपी बैठी है वो? सर हो सकता है वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हो और अपनी पहली जिंदगी के बाद इन हालात से कॉम्प्रोमाइज ना कर सकी हो। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर सलीम के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए इस केस की तह में जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें महरूम साहब को ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है ज़िब्रान, हम एक दफा फिर से कोशिश कर लेते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। मूसा तुम तलाश जारी रखो, लेकिन मेरे ख्याल में सलीम के बाप को एक दफा मिल लेना चाहिए, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है।
शफीक, तेरा नंबर ले बच्चे। कोई सैम नाम का बच्चा यहाँ पर काम करता है? जी सैम नाम का लड़का काम करता तो है, लेकिन वो काफी दिनों से आया नहीं है। ना आने की वजह? पता नहीं, वो अचानक से छुट्टियां करने लगता। उसका पता मिल सकता है? उसके घर का तो पता नहीं है, लेकिन एक लड़का है जो उसके घर गया था। वो कौन है? वो हाँ, वो भी आज छुट्टी पे है। उसी के घर का पता दे दो। उसके घर का भी पता नहीं है, लेकिन वो कल आ जाएगा, क्योंकि आज वो छुट्टी लेकर गया था। प्लीज कल मिलवा दीजिएगा उससे। जी जी बिल्कुल जरूर। एक रिपोर्ट ये मिली है कि मेरा निशा का बेटा किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये इन्फॉर्मेशन मुझे सराफा एसोसिएशन के एक बंदे ने दी है, जिसका नंबर मुझे मुस्ता ने दिया था। और वो बच्चा कहाँ है? वो मैं अपनी माँ से मिलवा सकता है? वो बच्चा जिस वर्कशॉप में काम कर रहा है, मैं उस वर्कशॉप में गया था, मगर वो वहाँ से काम छोड़ के किसी दूसरे वर्कशॉप में जा चुका है। तो आपने दूसरी वर्कशॉप से पता किया? दूसरी वर्कशॉप में गया था, मगर वो छुट्टी पर था। शिट, इसका मतलब हमें बच्चे का पता नहीं चला। मैं चंद लोगों से मिल के आ रहा हूँ, जो उस बच्चे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो मुझे फौरन इत्तला करेंगे। वेरी गुड। इसका मतलब बच्चा अगर मिल जाता है, तो हम उसकी माँ से मिल सकते हैं। देखिए, मैं पहले दर्ज कर चुका हूँ कि मेरे बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कभी उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। फिर तो उसका दुश्मन कौन हो सकता है? सलीम का कत्ल किसी ने मोहब्बत में तो नहीं किया ना? आखिर कोई ना कोई उससे शरीर नफरत करता था, जिसने उसकी जान ली है। इसमें कोई अपना भी हो सकता है और कोई गैर। ये बात तो आपकी सच है, लेकिन जिसने भी उसकी जान ली है वो उसका जानी दुश्मन ही होगा। आप फिक्र ना करें, वो जो कोई भी है कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। देखिए कलीम साहब, सलीम हमें किसी सोने की डकैती की इंफॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है। सलीम के कत्ल का सिलसिला बजाहर इसी सोने की डकैती से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप समझते हैं मेरा ही बेटा मुलजिम है? उसने डकैती की और वही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, ये कैसी तफ्तीश है? मकतूल भी हम हैं और मशकूक भी हम। आई एम सॉरी अगर आपका जज्बात पर ठेस पहुंची है, मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। देखिए, सलीम ने अपने नाम की एक सिम किसी को लेकर दी हुई थी और उस पर फोन भी करता था। क्या आप जानते हैं कि वो सिम किसके पास है? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो ऐसा लड़का हरगिज़ नहीं था। कभी उसने अपनी शादी का जिक्र किया हो? आई मीन अपनी पसंद का जिक्र किया हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है कलीम साहब, आपको ज़हमत दी उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। मदद ली है? मैं दर बदर के धक्के खा रही हूँ, मेरा शौहर कत्ल हो गया, हम बर्बाद होके रह गए हैं।
पुलिस पे पर्चा भी दर्ज करवाया है, लेकिन लेकिन पुलिस जो है ना उन्हें तलाश नहीं कर रही, लेकिन उन लोगों ने मुझे तलाश कर लिया है। क्या मतलब? क्योंकि मैंने डकैती के दौरान उनमें से एक डाकू की शक्ल देख ली थी, इसलिए अब उन लोगों को ये डर है कि मैंने चूंकि उनकी शक्ल देख ली है कहीं मैं ही उनको पकड़वा ना दूं, इसलिए वो मुझे ढूंढते फिर रहे हैं और मुझे बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं? सलीम बता रहा था कि वो उनके अपने लोगों में से है और वो तो उनके शायद इंतहाई करीब पहुंच चुका था। अपने लोगों से मतलब या तो उसकी फैमिली के लोग जो कि पाकिस्तान में रहते नहीं है या उसके बहुत करीबी दोस्त। मेहरुन्निसा से मिलने के बाद ये तो साबित हो गया कि वो डाकू उसकी भी जान के दुश्मन बन चुके थे, इसलिए वो छुपती फिर रही थी और बार बार अपनी रहाइश तब्दील कर रही थी। सर मेहरुन्निसा के मुताबिक मकतूल सलीम डाकू को पहचान चुका था, मगर वो कौन लोग थे? इसका मतलब है कि वो लोग उसके बहुत करीबी हो सकते हैं, रिश्तेदार उसके तो है नहीं है, उन दोस्तों में से हो सकते हैं। तो सर क्यों ना हम उसके दोस्तों भी आजमा लें? ये ठीक है, उसके दोस्तों को अपने तरीके से मिल लेते हैं। तो ठीक है सर, कल ही मिल लेते हैं। गुड आइडिया। सुना है इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, कब से चल रहा है ये? सर ये होटल तो काफ़ी सालों से चल रहा है और हमारा खाना लोग दूर दूर से खाने आते हैं। वैसे ये होटल कब से बना हुआ है? इस होटल को बने वैसे तो 20 साल हो गए हैं, लेकिन 7 साल पहले जिस इंतजामिया के हाथ से ये होटल आया था उन्होंने इसको 4 चांद लगा दी। क्यों, ऐसा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने इसको दोबारा से रेनोवेट किया, नई क्रॉकरी लेके आए, बहुत पैसा लगाया उन्होंने और अब नोट कमा रहे हैं बैठ के। इस काम में बहुत पैसा है क्या? पैसा तो बहुत है सर, मगर कोई लगाने वाला चाहिए। अच्छा ये बताओ इस होटल का मालिक कहाँ है? क्यों सर, कोई गलती होगी क्या? अरे नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी बता दें कि वो क्या है कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। वो दरअसल मेरा दोस्त है, एक्चुअली मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, अभी कुछ अर्सा पहले ही मैं बाहर से वापस आया हूँ तो मिलना चाहता हूँ सर। ठीक है सर, मैं अभी जाकर उनको बताता हूँ। वो फिर भी सर अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। पहचाना नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल जान ही जाऊंगा। समझा नहीं आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम लगातार होती रहेंगी तो जाने के साथ साथ दोस्ती भी हो जाएगी। आप सीधी सीधी बात करें, कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने सुना है आप सोने का कारोबार करते हैं, सोना खरीदते हैं, सोना रखते हैं, फिर चाहे किसी का भी हो। मैं भी सोने का व्यापारी हूँ, सोना खरीदता हूँ चाहे पुराना हो या नया, जाती हो या चोरी का, मैं बस खरीद लेता हूँ। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो 7 साल पुराना ही क्यों ना हो। Thank you.
थे। बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी कीमत क्या होगी? आप जैसे लोगों के लिए कीमत की क्या फिक्र? आप ये देखें कि आपको पसंद भी है या नहीं। ये घर मैंने तो नहीं, ये हमारे बड़े साहब ने खरीदना है इसलिए। यकीनन आपने बताया था, लेकिन आप पसंद करेंगे तो बड़े सरकार देखेंगे ना। ये तो है, मगर फिर भी इसकी कीमत क्या होगी? ये सिर्फ आपके लिए 4 करोड़ रुपए में है, वरना ऐसा घर तो 4.5 करोड़ रुपए में भी नहीं मिलता। ठीक है, अगर कोई डील बनानी है तो अभी बना लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जनाब आप मार्केट से पता कर ले। और हाँ, दूसरी बात ये कि जो भी मुझे कमीशन मिलेगा हम दोनों भाई बैठ के 50-50 कर लेंगे। बस आप इसको ओके करवाएं। ठीक है, अगर मैं ये ओके करवा देता हूं तो इसमें मुझे क्या इससे ज्यादा फायदा हो सकता है? ये कि आपने बिजनेसमैन वाली बात। जनाब सारा कमीशन आपका हुआ, और बताएं फिर आपको क्या बचेगा? मेरी खैर है जनाब, मैंने कुछ ना भी कमाया तो खैर से। अच्छा, ये तो बड़ी अनायत है आपकी। एक दूसरी शर्त भी है हमारी, उम्मीद है कि आपको इतराज नहीं होगा उस पर। बताएं बताएं, आपकी वो शर्त भी मान लेंगे जनाब। हमारा सेठ सोने का व्यापारी है, वो पेमेंट जो है कैश में नहीं बल्कि सोने में करेगा आपको। सोने का व्यापारी क्या मतलब? वो चोरी का सोना खरीदता है, और अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो मैं बता दीजिएगा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्डिंग आप ही की है? यस जी। हमें भी बिल्कुल ऐसी ही बिल्डिंग चाहिए, पर माकूल पैसे। जनाब बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करके देंगे आपको, इस शहर में बहुत मकाम है हमारा। अरे वही सुन के तो आए हैं, वरना तो और बहुत लोग हैं शहर में काम करने वाले। ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आपने इस नाचीज को खिदमत के काबिल समझा, इसका मतलब हमारी डील पक्की हो गई ना। बेशक, जैसा काम आप करते हैं वैसा कोई कर भी नहीं सकता। आपने तारीफ कर दी, दिल खुश हो गया। आप जैसे कदरदान कहाँ मिलते हैं? क्या बिल्डिंग का नक्शा आप खुद पास करवा लेंगे? क्यों नहीं जनाब, हर काम आप बस घर बैठे ऑर्डर करते जाएं, आपके सारे काम होते जाएंगे थोड़े पैसों में। ठीक है, आप प्लॉट के कागजात दिखाएं और इसका नक्शा फौरन अप्रूव करवाएं। लो जी, ये बात तो हमारी पक्की हो गई ना। ऑफ कोर्स, डील डन है, मगर एक शर्त है। वो क्या जनाब? आप जो शर्त कहेंगे वो पूरी करेंगे। आप तो जौहरी हैं और हीरे की कीमत जानते हैं। हमारे साथ खुद भी एक जौहरी हैं, और वो भी सोने के। वो सोने के कारोबार करते हैं, वो भी चोरी शुदा। चाहे वो 7 साल पहले ही क्यों ना चोरी किया गया हो या
छीना गया। ये क्या कह रहे हैं अब? मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि वो आपको रकम के एवज सोना देंगे। सोना असली होगा और कोई आप तक पहुंच भी नहीं सकेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोच लो, सोच कर बता देना। इतनी भी क्या जल्दी? मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। सोच के बताऊं, 7 साल पहले सोना चोरी हुआ कैश के वजह। अब इन बातों का मतलब क्या है? तुम ही मशवरा दो मुझे। वो मेरे पास भी आया था, कह रहा था कि कोठी के वजह मैं आपको सोना दूंगा, वो भी चोरी का। यार वो कौन है, क्या चाहता है, क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हमारी बिल्डिंग पर भी आया था वो खबती शख्स। आखिर वो है कौन? इंतहाई अजीबोगरीब बातें कर रहा था। यार मेरे ख्याल से उसको एक दफा बुलवा कर पूछ ही ना ले कि वो क्या चाहता है और वो है कौन। हाँ यार ये बात ठीक है, मिलाओ उसको नंबर। अगर वो कोई टैक्स वाला हुआ तो? टैक्स वाला हो तो अपनी बात करे ना, बीच में सोने का जिक्र कहाँ से आ गया? हम अपना अपना कारोबार करते हैं कि सोने का जो हमें सुना आ रहा है? मुझे लगता है वो हमारे गिर्द कोई जाल बुन रहा है ताकि हम उसके शिकंजे में आ सके। यार काहे का जाल बुन रहा है, हमने कुछ देना उसका? दिखाने वाला हिसाब किताब हमने अपना बहुत सीधा रखा हुआ है, मगर ये बंदा कुछ टेढ़ा लग रहा है। जो भी होगा देख लेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, फोन मिलाओ उसे और मुलाकात का टाइम रखो, मैं बात करता हूँ उसके साथ। इसलिए आपको जहमत दी कि आपसे चंद बातें कर सकें। इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। बात दरअसल ये है ब्रदर ग्रामी कि हम शरीफ कारोबारी लोग हैं, हमें दुनियादारी का इतना नहीं पता। आप हमें सीधा सीधा बता दें। क्या बताऊं? आप चाहते क्या हैं? तुम लोगों ने प्यार से बुलाया, तुम ही बोलो। हम अपना टैक्स भी सारा अदा कर रहे हैं और तमाम अफसरान को दोस्तों की तरह रखते हैं। सर आप पहले अपना मुकम्मल तारफ करवा दें ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। अब बात अगर खुल ही गई है तो फिर दोस्तों से कैसा पड़ता? ये बहुत अच्छी बात की आपने दोस्तों वाली, दोस्तों की खातिर तो जान भी दे सकते हैं। अब दोस्त ही कह दिया तो हुक्म करें मेरी जान। मैं SIB से हूँ, इंस्पेक्टर मूसा। जनाब हमारा क्या ताल्लुक SIB से? हम तो कारोबारी लोग हैं, आपको हमारे बारे में किसी ने बहका दिया है। बहकाया नहीं है, सच बताया है। मगर क्या सच बताया है? आप हमें भी तो कुछ बताएं, ऐसे ही हमें परेशान किए जा रहे हैं। सर माल अकेले अकेले खाओगे तो मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा ना। कौन सा माल और कैसा माल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर नहीं समझे तो कानूनी तरीके से समझाऊंगा, और अगर समझ गए हो तो फिर मेरा हिस्सा यहाँ रख दो। ठीक है, हम तीनों 10-10 लाख मिला के आपको 30 लाख दे देते हैं। खुद करोड़ों खाओ और मुझे सिर्फ 30 लाख? क्या मतलब? उस सोने का क्या करोगे जो 7 साल पहले हवा हो गया था? और अभी तो मैंने कत्ल की बात भी नहीं की। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर दिल माने तो मेरे हिस्से का 10 करोड़ रख देना, वरना तुम खुद समझदार हो। यार ये क्या मुसीबत पड़ गई है और कहां से आई है अजाब? दिमाग को ठंडा रख के सोचो कि अब करना क्या है। जरा बैठ के सोचो करना क्या है। ये इंस्पेक्टर तो हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा, मनहूस कहीं का। इससे पहले कि ये हमारी जान ले, हमें इसकी जान ले लेनी चाहिए। यार कैसी बातें कर रहे हो,
वैसा ही भी से है। ये कोई और मुसीबत अपने गले ना डाल लेना। इसके अलावा कोई दूसरा हाल तो बताओ मुझे। यार उससे बात करते हैं, उसको समझाते हैं, हो सकता है वो हमारी बात मान ले। दूसरा हाल ये कि उसे दे दे 10 करोड़, और अगर इसके बाद उसका मुंह बनना तो फिर क्या करेंगे? इसलिए तो कहता हूँ इससे भी जान छुड़ाओ, वरना सारी जिंदगी खौफ से गुजरेगी। उस खौफ से छुटकारा कैसे हासिल करें? एक ही रास्ता है जो मैंने तुम्हें बताया। तो फिर ठीक है, और फाइनल ये हो कि उसे भी रास्ते से हटाना, ताकि हमारी जान को सुकून हो। एक एक करके हम, मेरा मतलब है कि जान को सुकून आने के बजाय बेसुकूनी और बढ़ती जा रही है। और ये भी तो सोचो कि जिंदगी में बगैर दौलत के ये ठाट बाट कहां से आते हैं। इसी दौलत ने तो हमारा सुकून बर्बाद करके रख दिया। अब की दफा तुम करोगे जो भी करोगे। हाँ हाँ मैं कर लूंगा, मोहताज नहीं तुम्हारा, हाथ नहीं टूटे मेरे। आपस में लड़ने आए फैसला करने, अकल करो, दिमाग को ठंडा रखो। फोन लगाओ और उसे बहाने से बुलाओ और उसे कहो तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। लगाओ फोन, ये फैसला आज ही हो जाएगा। शांत से, किसी भी टाइम हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यस सर, मैं रेडी हूँ। और बड़े एहतियात से, ये खतरनाक किस्म के लोग हैं ये। तुमने सलीम को क्यों मारा? हम उसको नहीं मारना चाहते थे, वो हमारा दोस्त था, लेकिन उसने हमारे बारे में खोज लगा दिया था कि हमने सरकार के घाटे की है, और वो तो सब बताना चाहता। तुम लोगों ने सरफराज को कत्ल करके उसका सोना लूटा। तुम लोगों ने जुल्म किया है, मैं तुम लोगों को अरेस्ट करवा दूंगा। बात सुनो यार सलीम, जो होना था वो हो गया, अब तुम भी बाहर जाकर सेटल हो गए हो और हम भी यहां पर अब फिट हो गए हैं। अब गुजरी बातों को दफा करो,
और पुरानी बातों को भूल जाओ यार। भूल जाऊं उस जान को जिसको तुम लोगों ने ना हक मारा? क्या क्या जुल्म हुए उस खानदान पर, एहसास भी है तुम्हें उसका? मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो। आज से तुम लोगों में से मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं लानत देता हूं ऐसी दोस्ती पर। सलीम ने हमें कॉल की डकैती और उसके मुजरिमों के बारे में बताने के लिए, तो हमारा शक सीधा तुम तीनों पे गया। उसके बाद हमने 7 साल पहले वाली FIR निकलवाई, तो उसमें भी 3 डाकुओं का जिक्र था। और उसके बाद जब हमने तुम तीनों की इंफॉर्मेशन निकलवाई, तो उसमें यह पता चला कि डकैती के बाद तुम तीनों ने कैसे इकट्ठे तरक्की की, इसलिए हमारा शक और गहरा हो गया। फिर जब मैं तुम लोगों से मिलता चला गया तो तुम लोग एक्सपोज होते गए। अब तो तुमने खुद डकैती का इकरार कर लिया और कत्ल कर दिया सलीम के भी और सरफराज के भी। हमने इसलिए तुमसे ये सारी बात कर ली क्योंकि इसके बाद तुम इस बात को किसी को बयान करने के काबिल नहीं रहोगे। तुम लोगों का ये राज इस मोबाइल के जरिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो तुमने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। अब तुम कानून के शिकंजे से नहीं बच सकोगे। और तुम्हें किए की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें उनको फांसी भी हो सकती है।